अस्सलामुअलैकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ सबा अहमद। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आज़म की नाहली से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में आइंदा समाअत पर वुकला के दलाइल जारी रहेंगे। रेंजर्स इख्तियारात पर वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने, कानूनी माहरीन ने समरी तजादात की निशानदही कर दी। वज़ीर दाखला खत्मी फैसला आज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ एक रोजा दौरे पर चीन पहुंचे गए। चीन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात, पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की सिक्योरिटी पर बातचीत। सिंध में रेंजर्स का मामला हल हो चुका है। वफाक को खत भेजा जा चुका है मगर जवाब नहीं आया। सिंध के नए साईं का बयान, पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर सूबे में अमन कायम किया। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। भारत से आजादी की तमन्ना कश्मीरियों के लहू में शामिल है, दुनिया को बावर करवा देंगे। मसला कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, वज़ीर आज़म का सफीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब। सार्क वज़ीर दाखला का इजलास, भारतीय वज़ीर दाखला राजनाथ सिंह भी शरीक होंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के पेश नजर पाक भारत दो तरफा बातचीत का इम्कान नहीं। भारतीय फोर्सेस ने मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के इस्लामाबाद में रैली, भारतीय मुजालिम के खिलाफ मिशाल मलिक की अलामती भूख हड़ताल। जोमी आजादी पर वन व्हीलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैक डाउन, जिला पंजाब ने खसूसी टीमें तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए। जश्न आजादी के रंग, बच्चे बड़े सब संग संग, शहर शहर यौम आजादी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान के शहीन एक मरतबा फिर झपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट, पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। मिसबाह 11 कम बैक के लिए पुरस। रोज न्यूज से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।